Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my dear students, and my wonderful friends. I am Avinas, and as usual, I am before you all with the conceptual clarity of certain questions, right? The question which I have taken up today for the discussion is that in which of the case in which of the following case the right to education has been held to be an integral part of the fundamental right and the options are the first option is sankari prasad the second option is golaknath and the third option is ahilya bai holkar and the fourth option is mohini jain versus state of karnataka my dear students mohini jain versus state of karnataka is a very leading case and in that case honorable supreme court held that right to education is very very integral to the fundamental rights as enshrined right right to, right to education is very integral to the very concept of right to life and right to life you know that right to life is included under uh, fundamental right Ar article 21 of the constitution talks about right to life that no person shall be deprived of right to life and personal liberty except according to procedure established by law ये आर्टिकल 21 बोल रहा है और इसमें बात किया जा रहा है कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर है तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका उन्नीस का केस का केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कि दो जजेस डिवीज़न बेंच का फैसला है कु, जस्टिस कुलदीप सिंह एंड जस्टिस आर एम सहेब एंड कुलदीप सिंह हैड प्रोनाउंस द जजमेंट राइट ही डिलीवर्ड द जजमेंट तो मोहिनी जैन के केस को समझते हैं कि मोहिनी जैन का मुद्दा था क्या मोहिनी जैन एक मेडिकल एक्सपेरेंट थी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक रूल लाया एक नोटिफिकेशन लाया जिसमें यह बोला गया कि उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जॉर्बिटेंट हायर चार्ज मतलब कि एकदम कुछ भी कुछ भी कीमत रख लो गवर्नमेंट सीट कोटा के अलावा जो अलग से वो एडमिशन लेंगे उस पर वो कितना भी चार्ज ले सकते हैं ऐसा ये एग्जॉर्बिटेंट ट्यूशन फीस मेडिकल के लिए ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया मोहिनी जैन जो कि एक मेडिकल एस्पेरेंट थी एमबीबीएस बीबीएस एस्पेरेंट थी उसने केस फाइल कर दिया चैलेंजिंग दिस नोटिफिकेशन ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट इस कर्नाटका गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को मोहिनी जैन ने चैलेंज किया आप समझ रहे हैं ना चैलेंज जो सब्जेक्ट मैटर क्या है किस चीज को चैलेंज किया गया कि गवर्नमेंट सीट कोटा जो है उसके अलावा आप जो भी मैनेजमेंट से एडमिशन लीजिएगा उस पर आप कितना भी एग्जॉर्बिटेंट ट्यूशन फीस रख सकते हैं इसको चैलेंज किया गया तो ये 1992 का केस है डिवीजन बेंच का फैसला है honorable mr justice kuldeep singh and rm saif they both were there and honorable justice uh, kuldeep singh delivered the judgment and stating that uh, right to education is very very integral and important and essential to the fulfillment of the fundamental rights and the indian citizens they are all having the right to education एट दैट टाइम आप जान रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए में बाद में आया 2002 में आया 86th अमेंडमेंट के द्वारा आया लेकिन यह केस है 1992 का लेकिन उस समय भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बोला गया जिस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने माना था उसमें हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही पुअर थी उन्होंने माना था कि 10 साल में हम लोग जो 100% परसेंट लिटरेसी रेट को अचीव कर लेंगे जो कि पूरा नहीं हो पाया अभी तक पूरा नहीं हो पाया तो उनका जो इंडेवर था वो ये था कि राइट टू एजुकेशन इवन दो एट दैट टाइम दैट वॉज नॉट एक्सप्रेसली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज नॉट इनहेरेंटली गिवन, बट इंप्लाइडली इट्स मीनिंग वॉज द एसेंस वॉज स्टिल देयर राइट दैट राइट टू एजुकेशन शुड बी देयर तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को आ, जो नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से मेन सवाल यही पूछा कि वेदर द राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड टू द इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट एंड सुप्रीम कोर्ट आंसर इन अफर्मेटिव दैट राइट टू एजुकेशन हैज बीन गारंटीड टू द इंडियन सिटीजन राइट टू एजुकेशन इंडियन सिटीजन को गारंटी किया गया है और आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 में बोला गया है कि राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्निफाइड लाइफ जरूरी है लेकिन डिग्निफाइड लाइफ आ, करने के लिए डिग्निफाइड लाइफ को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना जब तक आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते हैं तो आप डिग्निफाइड uh, लाइफ नहीं फुलफिल uh, कर सकते हैं उसको अचीव नहीं कर सकते हैं और पर्सनालिटी के डेवलप करने का एक क्राइटेरिया राइट टू एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू एजुकेशन को तो इंटीग्रल मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट

मोहिनी जैन के मामले में यही बोला गया कि राइट टू एजुकेशन इज वेरी वेरी इंटीग्रल एंड एसेंशियल टू द फंडामेंटल राइट ओके गाइज आई होप दैट आई हैव क्लियर द केस लॉ ऑफ मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड टोल्ड यू दैट वॉट वॉज द जजमेंट गिवन बाई डिलीवर्ड बाई ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह राइट so thank you everyone for watching me stay tuned on india's biggest law learning platform that is on the youtube channel of chanakya legal classes and chanakya judicial academy thank you everyone jai hind jai Sriram.